दोस्तों रूस और यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। असल में यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक हालात बन चुके हैं। वहीं काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है ये वर्ल्ड वार 3 का रूप ना ले लें। जहाँ यूक्रेन के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इसकी शुरुआत रूस ही कर सकता है, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप सामने आ सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो शुरू हो चुकी हैं। नाटो का दावा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो नाटो उसको अपनी सैन्य शक्ति देगा। वहीं रूस पर लगाए गए प्रतिबंध उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं और इस समय यूक्रेन को नाटो की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाइडेन ने रूस पर लगाए जाने वाले नए और खतरनाक प्रतिबंधों का खुलासा किया। जहां यूक्रेन पर किए गए हमले को बाइडेन ने पूरी तरह अचानक और बेमतलब हमला बताया, वहीं अमेरिका का कहना था कि वो इसका जवाब रूस से मांगेंगे। यहां बाइडेन द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए जो कि रूसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य पुतिन के आंतरिक सर्कल के सदस्यों को प्रभावित करना है। वहीं काफी सारे लोग इससे भी डर रहे हैं कि पुतिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो यूक्रेन को पूरी तरह खत्म न कर दें। वहीं काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये तो सिर्फ तीसरे युद्ध की शुरुआत है, जैसे कि बॉम्ब फटने से पहले उसके लौ में आग लगती है। असली तबाही तो अभी बाकी है, क्योंकि यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रुकने वाले पुतिन भी नहीं। पुतिन का कहना है कि वो अपने देश को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। वो अपने देश को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जहां यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्हें डर है कहीं पुतिन उनके देश पर कब्जा करके उन्हें एक कठपुतली बनाकर न रख दें, क्योंकि ऐसा राज्य हो या देश, ये पूरी तरह से किसी अन्य देश के कंट्रोल में रहता है। और ऐसा ही हाल यूक्रेन का भी हो सकता है। जहां देखा जाए यूक्रेन के लिए ये सब सोचना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं। वहीं रूस अपनी बैठक में मतदान करवाएगी, चाहे वो राष्ट्रपति के फैसले से सहमत हो या फिर नहीं। वहीं रूसी सेना ने चेरनोबिल साइट पर भी कब्जा कर लिया है, जहां यूक्रेनी सेना अपने क्षेत्र में रखवाली कर रही थी, लेकिन इनका आमना सामना हुआ तो ये क्षेत्र रूसी सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया। जहां ये भी कहा जा रहा है कि रूस की नज़र यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर पर है, ताकि वो नाटो को अपने सैन्य यूक्रेनी ऑफिसर्स के साथ हस्तक्षेप ना करने दे। वहीं अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि रूस ने सभी को डराने के लिए भी ऐसा किया हो सकता है। जहां यूक्रेन पर हुए इस हमले के कारण स्टॉक मार्केट में भी काफी गिरावट सामने आई, जहां इन्वेस्टर भी काफी ज्यादा चिंता से घिरे हुए नजर आए। अभी भी रशिया के 33 स्टॉक काफी बुरी तरह से प्रभावित हैं। उदाहरण के तौर पर डायक्स को रूस का गूगल कहा जाता है, जो कि गुरुवार को आधे से भी ज्यादा गिर चुका था। वहीं दाओ 550 अंक से भी नीचे आ चुका है। यहां 2022 की इनकी सबसे बड़ी गिरावट है, जहां इसी के चलते गैसों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इसी के चलते तेल की कीमतों में भी $8 प्रति बैरल की महंगाई को बढ़ते देखा गया है, क्योंकि रूस दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और वहीं ये प्राकृतिक गैस का भी सेकंड सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जहां अगर वो रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वो अमेरिका में ईंधन की बिक्री पर कटौती लगा देगा। वहीं बाइडेन अपने नागरिकों के लिए बढ़ती गैस की कीमतों को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।